साथ तेजी से घर की ओर जा रहे थे। अचानक उनके आगे एक सांप गया और बेचारा मूसक राज सांप से बचने की कोशिश करते करते गिर पड़ा। अरे अरे संभाल कर गणेश जी, मैं लड़खड़ा रहा हूँ। ओहो मूसक, क्या हुआ? जब तक बाल गणेश को कुछ समझ आता, वो अपने लड्डू के साथ जोर से जमीन पर गिर पड़े। मूसक, ये क्या किया तुमने? मैं गिर पड़ा और मेरे साथ लड्डू भी गिरा दिए। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं सांप से बचने की कोशिश कर रहा था। जब ये सब हो रहा था तो ऊपर से चमकता हुआ चंद्रमा गणेश का मजाक उड़ा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। बाल गणेश को ये देख कर गुस्सा आ गया और उसने चंद्रमा से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? इतने मोटे गणेश और उनके छोटे छोटे लड्डू को गिरते हुए देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। चुप करो चंद्रमा, वरना अच्छा नहीं होगा। गणेश जी की बात सुनकर भी चंद्रमा रुका नहीं। आखिर क्यों रुकता? उसे अपनी चांदनी पर घमंड जो था। अच्छा नहीं होगा और मेरा गणेश, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मेरा रूप देखो, मेरी चांदनी देखो, तुम पर बस मुझे हंसी ही आ सकती है। चंद्रमा का ये गुरूर देखकर गणेश जी को गुस्सा आ गया और पास खड़ा मूसक भी डर के मारे कांप रहा था, मगर चंद्रमा तो फिर भी नहीं रुका। अच्छा इतना गुरूर, तुम्हें अपनी चांदनी पर गर्व है ना? तो मैं अब तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस चमक पर तुम्हें इतना घमंड है वो नष्ट हो जाए। जो भी तुझे देखेगा उसका बुरा समय आ जाएगा और मैं भी उसे नहीं बचाऊंगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। जैसे ही गणेश जी ने ये कहा, खूबसूरत चंद्रमा का रंग बदल गया और वो कोयले जैसा हो गया। वही रात भी बिल्कुल काली हो गई, ठीक अमावस्या की तरह। नहीं प्रभु, ये क्या हो गया? मेरी चांदनी मुझे लौटा दीजिए। नहीं, अब ऐसे ही अंधेरे में जियो और वो भी एकांत में। प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे एक मौका दे दीजिए। चंद्रमा के लाख मनाने पर भी गणेश जी नहीं माने। अब मूसक ने उन्हें कहा, प्रभु चंद्रमा को माफ कर दीजिए, मुझसे भी तो गलती हुई थी, आपने मुझे भी माफ कर दिया था। और सोचिए बिना चांदनी के रात को लोगों का क्या होगा। ठीक है मूसक, तुम कहते हो तो मैं चंद्रमा को माफ कर देता हूँ, मगर मैं इसका श्राप पूरी तरह से नहीं हटा सकता। प्रभु आप विघ्नहर्ता हो, आप जो भी करोगे मेरे लिए सही होगा। आज से आपके चेहरे की चमक हमेशा धीरे धीरे गायब होगी, मगर धीरे धीरे वापस भी आएगी और ये सभी कुछ सही राह दिखाएगी कि घमंड किसी भी बात पर नहीं करना चाहिए। और जो भी तुम्हें मेरे जन्म के दिन देख लेगा उसका बुरा वक्त तो आएगा, मगर दूसरे दिन तुम्हारे दर्शन करके वो श्राप से मुक्त भी हो जाएगा। प्रभु आपकी जय हो। तो इस तरह से गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप भी दिया और सबक सिखाने के बाद वरदान भी दिया। एक दिन माता गौरी घर में अकेली बैठी थी और उन्हें स्नान करने जाना था, मगर उन्हें भय था कि कोई अंदर ना आ जाए। तब उन्होंने अपने पुत्र गणेश को आवाज दी। गणेश, बेटा गणेश। आया माता, कहिए क्यों बुलाया? बेटा मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं तब तक तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। ठीक है माँ। ऐसे नहीं, वचन दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं आ पाएगा। माँ मैं वचन देता हूँ। कुछ देर बाद वहाँ शिवजी और नंदी आए, मगर शिवजी को ये पता नहीं था कि गणेश उनका ही पुत्र है। शिवजी घर के भीतर जाने लगे कि गणेश तुरंत बोल पड़े, रुकिए आप भीतर नहीं जा सकते। क्या कह रहे हो बालक, जानते नहीं मैं कौन हूँ? आप जो भी हो
मगर मेरी माता ने कहा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर न जाए। और मैंने माता को वचन दिया है तो आप भीतर नहीं जा सकते। नन्हे बाल गणेश को इस तरह सामने खड़े हुए देखकर काफी नाराज हुए शिवजी और कहा, हट जाओ बालक, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप कुछ भी कीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं माता को वचन दे चुका हूँ। बालक को इस तरह हट करता देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को गणेश जी की ओर घुमाया। ये क्या, नन्हे गणेश का तो सिर धड़ से अलग हो गया और वो निर्जीव जमीन पर गिर पड़े। तब माता गौरी भीतर से बाहर आई और गणेश को जमीन पर इस तरह गिरा देखकर हैरान रह गई। बेटा गणेश, ये क्या हुआ तुम्हें, ये किसने किया? माता, ये शिवजी ने किया। माता गौरी शिवजी को हैरानी से देखने लगी। क्या कर दिया आपने, क्रोध में आपने अपने ही बेटे को मार डाला। मुझे मेरा गणेश वापस लाकर दीजिए, ये मेरा पुत्र है। मुझे माफ कर दो, जब गणेश मुझे भीतर आने नहीं दे रहा था तो मैं क्रोधित हो गया। मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरा बेटा लाकर दो। शिवजी कुछ देर सोचने के बाद नंदी की ओर देखकर कहने लगे, नंदी, मैं गणेश को जीवित कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जो आप कहेंगे प्रभु, मैं वो जरूर करूँगा। जंगल की ओर जाओ और जो भी पहला जीवित प्राणी नजर आए उसका सर मेरे लिए लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदी तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा और जंगल में चलते चलते उसके सामने एक हाथी आ गया। जैसा कि उसने शिव जी से कहा था, उसने हाथी का सर काट कर अपने साथ ले लिया। मगर माता गौरी ने ये देखा तो कहा, हाथी का सर, इसे देखकर तो सभी मेरे पुत्र का मजाक उड़ाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा बहुत नीडर है और आज मैं उसे वरदान देता हूँ कि आज से सभी इसे विघ्नहर्ता कहेंगे और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सभी को इसका नमन करना होगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। शिव जी ने अपनी शक्तियों से गणेश के शव पर हाथी का सर जोड़ दिया और उस दिन से हुआ हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का जन्म। कई साल पहले गजमुख सुर नाम का एक दानव रहता था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और कई सालों से तपस्या करके उसने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। गजमुखासुर, उठो भक्त, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, तो अगर आपको मुझे देखकर प्रसन्नता हुई तो मुझे वरदान दीजिए। मांगो गजमुखासुर, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत शक्तिशाली बनूं और मुझे ना कोई देवता हरा सके, ना मनुष्य और ना ही कोई दानव। ठीक है, मगर याद रहे, कभी भी अपने इस वरदान का दुरुपयोग मत करना, वरना सभी कहेंगे कि शिवजी के वरदान के कारण गजमुखासुर इस तरह सभी को परेशान कर रहा है। जो आज्ञा प्रभु, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। शिवजी का वरदान पाकर गजमुखसुर एक बार फिर अपनी असुर प्रवृत्ति में लौट गया और सभी को परेशान करने लगा। कई दिनों तक गजमुखसुर के इस दुर्व्यवहार को देखकर देवता नाराज हुए और शिवजी से मिलने गए। प्रभु, ये क्या कर दिया आपने? मैंने क्या किया? प्रभु, आपने गजमुखासुर को ऐसा वरदान दिया जिसके बाद वो सभी निर्दोष लोगों को भी सता रहा है। पर मैंने तो उसे कहा था कि ऐसा मत करना। प्रभु, आप सच में भोलेनाथ हो, एक असुर पर भरोसा कर लिया
अब इसके कारण गजमुखासुर किसी के काबू में नहीं आ रहा, वरना सभी लोगों पर गजमुखासुर का ही राज होगा। पार्वती, पुत्र गणेश को बुलाओ। पिता की आज्ञा पाकर गणेश भी वहाँ आ गए। जी प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बेटा, मैंने गजमुखासुर को वरदान दिया था जिसका वो दुरुपयोग कर रहा है, तुम जाकर उसे सबक सिखाओ। क्या राक्षस गजमुखासुर का सामना करने के लिए आप मेरे बेटे गणेश को भेज रहे हो प्रभु? हाँ, पर गणेश तो नन्हा बालक है, वो कैसे सामना करेगा गजमुखासुर का? तुम सब चिंता मत करो, बस यकीन रखो, मेरा बेटा विघ्नहर्ता है और वो ही गजमुखासुर को उसकी सही जगह दिखाएगा। हो जाएगा। रुकिए, मैं भी साथ चलूंगा और मेरे गण भी। हाँ पुत्र, इन सभी को अपने साथ लेकर जाओ। नहीं, कोई साथ नहीं जाएगा, मेरा बेटा गणेश ही उसके लिए काफी है। ऐसा कहकर शिवजी ने गणेश को आशीर्वाद दे दिया और वहां से जाने का आदेश दिया। गणेश भी अपने पिता शिवजी का आदेश पाते ही गजमुखासुर की तलाश में निकल पड़े। गजमुखासुर, कहाँ छुपे बैठे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। तुम आओगे मुझसे लड़ने? हाँ, बहुत कर लिए तुमने कमजोर लोगों पर अत्याचार, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम सबक सिखाओगे मुझे? जानते नहीं, मैं शिव का भक्त हूँ और मुझे भोलेनाथ ने खुद वरदान दिया है। फिर भय किस बात का? सामने आओ और मेरा सामना करो। गणेश की ललकार सुनकर गजमुखासुर सामने आया और गणेश पर वार करने लगा। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गजमुखासुर, तुमने सभी को बहुत सताया है, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर गणेश गजमुखासुर से लड़ने लगे। काफी देर तक लड़ने के बाद भी वो गणेश को हरा नहीं पाए। मुझे तो भोलेनाथ ने वरदान दिया है, फिर भी मैं गणेश को क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ? गजमुखासुर, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर मैं इस वरदान से परे हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का, तो मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। जैसे ही गजमुखासुर ने गणेश की बात सुनी, वो दौड़ने लगा, मगर गणेश भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी तेजी से गजमुखासुर का पीछा करने लगे। तब गजमुखासुर ने सोचा कि अगर मैं एक छोटे से चूहे का आकार ले लेता हूँ तो भागने में आसानी होगी। ऐसा सोचते हुए गजमुखासुर ने खुद को चूहे के रूप में बदल दिया। तब गणेश जी ने जोर से छलांग लगाई और गजमुखासुर की पीठ पर सवारी करने लगे। सवारी करते करते उन्होंने गजमुखासुर के कान भी जोर से खींचे, जिसके कारण वो काफी बड़े हो गए। काफी देर तक गणेश जी को अपनी पीठ से गिराने की कोशिश करने के बाद गजमुखासुर हार गया और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था, आपने मेरे कान खींचकर मुझे सबक सिखाया है, अब मैं इस रूप में रहकर आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, मुझे भी ये सवारी बहुत पसंद आई, आज से तुम मेरे मूसक राज हो, मैं हमेशा तुम्हारी ही सवारी करूंगा और तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। तो इस तरह से गजमुखासुर बन गए गणेश जी के वाहन मूसक राज।